नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग बर्ड्स और मैं हूँ अभिषेक बड़ू। किसी भी खिलाड़ी को अगर सफल होना है तो उसके पीछे उसको सबसे पहले जो उसको ज़रूरत पड़ती है एक मेंटोर की, एक कोच की। और जैसे कि आप उमरान मलिक को आज के टाइम पे सभी लोग जानते हैं जो अभी हाल ही में इंडिया की टीम के लिए सिलेक्ट हुए हैं, और उनके कोच रणधीर सिंह जी मेरे साथ जुड़े हैं। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे किस तरह की खुशी होती है जब एक मेंटर का जो एक स्टूडेंट है वो इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पर पहुँचता है। साहब का पहले स्वागत है यंग बॉयज़ में। थैंक यू वेरी मच। और सर आपको बहुत बहुत बड़ी मुबारक कि आपका एक स्टूडेंट जो है वो इंडिया टीम के लिए सिलेक्ट हुआ है। धन्यवाद, थैंक यू। सर क्या कहना चाहेंगे उमरान मलिक के बारे में पहले आप? जब भी आपने जो आईपीएल में देखा है कि आउट एंड आउट फास्ट बॉलर है वो, तो यही है उसके लिए कि वो आगे यही बॉल करता रहे, तेज़ बॉल करे। जैसे सभी एक्साइटेड थे कि 160 के करीब करे, तो होपफुली इन कमिंग डेज वो उतना भी कर ही लेगा। वो देखिए कितनी खुशी होती है एक मेंटर की जब वो आपके पास खेलने आए थे, कि सभी मेंटर चाहते हैं कि मेरा जो स्टूडेंट है वो कहीं अच्छे मुकाम पे पहुंचे, लेकिन जब वो स्टूडेंट एक अच्छा परफॉर्म करता है, कंटिन्यू उन्होंने जो है कि स्पीड पर अपनी ध्यान दिया, अब बॉलर जो कि लाइन लेना था उस पर पूरा ध्यान दे रहे हैं, उसके बाद जो है वो सिलेक्टर की नज़र में आए हैं, वो पहले आईपीएल खेले, उसके बाद में वो इंडिया की प्रैक्टिस बॉलर होते हैं उसके लिए भी वो सिलेक्ट हुए, और अब आ जाके वो जो है इंडिया टीम के लिए सिलेक्ट हुए। लेकिन देखो, जब भी कोई बच्चा आता है तो पहले हमें एक देखते हैं उसमें कि जो उसमें पैरामीटर्स हैं कि हाँ इसमें सारा कुछ है ये लगने के लिए। तो जैसे वो आया था तो एक चीज़ तो गारंटीड थी कि उसमें पेस थी, कि जैसे ही उसने पहली बॉल ही डाली थी स्टेडियम में, मुझे याद है 2017 का वो इंसिडेंट कि मैंने बॉल करनी है, उसने ये कहा था, मैंने कहा डाल लो भाई। तो जैसे उसने पहली बॉल की थी तो एक चीज़ तो वहीं पर हो गया था कि इस बच्चे के पास पेस है जो कि चाहिए। तो लेकिन बीइंग की हमारे पास उसे इस वक्त ऐसे इक्विपमेंट नहीं होता कि हम पेस जज कर सकें 140 का रहा 145, लेकिन इतना लगता कि 140 के वो है ये बच्चा। तो जब इसने बॉल डाली तो ये तो था कि अगर ये इसको मेंटेन कर सका तो ये इंडिया खेल जाएगा, क्योंकि आजकल एक ट्रेंड बना हुआ है कि 140 के ऊपर आप बॉल करते हो आप आईपीएल और इंडिया आपको गारंटीड है। आपको छक्के मारना आता है, आपको आईपीएल मिलनी मिलनी है। तो बैट्समैनों के लिए थोड़ा सा इसलिए कम है कि बैट्समैन इस वक्त काफ़ी भरे हुए हैं, मिडल में या फिनिशर काफ़ी हैं इस वक्त, फास्ट बॉलर का पूल बड़ा कम है, 5-6 के बाद कोई नज़र नहीं आता। लेकिन इस आईपीएल में ये है कि द्वारा मैं नोट कर रहा था कम से कम कोई 10 का पूल इंक्लूडिंग इमरान मलिक द्वारा आ गया, तो इसलिए फास्ट बॉलर पर वो ज़्यादा थोड़ी सी वो कंसनट्रेट करते हैं इन कंपेरिजन टू बैट्समैन। तो बाकी ये था कि उसकी ये चीज़ थी जो हमने नोट की थी, जो भी किसी को आगे जाने के लिए चाहिए था वो उसके पास थी। देखिए सर, जैसे कि स्पीड तो उनके पास पहले से थी, लेकिन फिर भी उसको होता है ना स्पीड को भी बरकरार रखना और साथ में लाइन और लेंथ को बनाना, तो उसमें कितनी आपने मेहनत की उनसे? उसका कोई मुझे मेहनत करने की जो उसके पास नेचुरल थी, क्योंकि वो जैसे मैंने उससे बात की जब उसने पहली बॉल की तो उनका काफ़ी तेज़ करता है, आप क्या करते हो, वो कास्को बॉल क्रिकेट खेलता था। तो कास्को बॉल क्रिकेट में होता है कि जो कास्को बॉल से करते हैं नेचुरली दम लगाना पड़ता है बॉल को पहुँचाने के लिए, तो वो उसके पास थी। लाइन लेंथ उसके पास वो ठीक है, उसको ज़्यादा कोई आप कहोगे कि मेहनत उसको नहीं करनी पड़ी नेचुरली। अब जो जैसे ऊपर गया है डेल सेन है या बाकी जो इनसे इंटरनेशनल कोचेज हैं उससे एक्सपोजर ज़्यादा होगा, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, बाकी उसके पास सारी ये चीज़ें उसके पास सारी थी। तो अभी उसने रिसेंटली जिम भी ज्वाइन किया, तो मेरे पास जब भी था उसने जिम भी नहीं किया था, जिम भी अब गया है तो वो जिम भी ज्वाइन किया हुआ उसने, तो उसका भी उसको हेल्प होगा। बाकी ये कि जैसे जैसे वो खेलता जाएगा उसका एक्सपोजर है, उसके बाद ये चीज़ें पहले थी उसको ये कभी नहीं करना पड़ा, अब ये है कि वो वेरिएशन ऐड कर रहा है अपनी, जैसे T20 में आपको पता कि आप एक अभी तो उनको जैसे मैं कोचिज को सुन रहा था उसने उन्हें ना उसको एक टास्क दिया कि आप आउट एंड आउट जाके फास्ट बॉलिंग ही करनी है, लेकिन बैट्समैन भी आजकल चला गए वो एक पेस पर एडजस्ट हो जाते हैं, तो अब वो नेचुरली वो वेरिएशन भी सीखेगा अगले होपफुली अगले साल जब आप उसको आईपीएल में देखो तो एक कम्प्लीटली चेंज बॉलर होगा वो। तो जैसे कि जो साउथ अफ्रीका की पिचेज हैं वो फास्ट बॉलर्स के लिए काफ़ी अच्छी रहती हैं, तो वहीं ना कहीं वहाँ पर जो है ये जो इंडिया के लिए हमारे बहुत अच्छा एसेट होगा ये हमारे लिए। हाँ नेचुरली जैसे ये बाहर जाएगा, अभी तो चलो ये सीरीज जो साउथ अफ्रीका की इंडिया में है, लेकिन अगर जो बच्चा इंडिया की बेस विकेट पे 157 जो डिसाइल विकेट्स हैं एक दो विकेट को छोड़ के जैसे मोहाली की जहाँ कलकत्ता की हो गई जो 30 विकेटें हैं, तो लेकिन जैसे ये ऑस्ट्रेलिया के हम पर्थ की बात करते हैं बैका की फास्टेस्ट ग्राउंड है या कहीं साउथ अफ्रीका की है, तो ये मुझे लगता है कि ये ऐसे ही 160 हो जाएगा पार वहाँ पे। पहले कहते ना कि हमारे जम्मू कश्मीर को आगे मौका नहीं मिलता, लेकिन अब जो हमारे जम्मू कश्मीर से बच्चे आगे निकल के आ रहे हैं, अब्दुल समद आए हैं इससे पहले, उसके बाद उमरान मलिक आए हैं, तो कहीं ना कहीं जब जम्मू कश्मीर भी जो है वो कहीं ना कहीं दिख रहा है लोगों को। बिल्कुल है, इस जो आज उमरान पहुंचा था इसको मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा थैंक्स तो इसको अब्दुल समद का अपने फ्रेंड का करना है, क्योंकि हमने उसको सिखाया है, लेकिन जो पहुँचाया है उसको हैदराबाद की फ्रेंचाइजेज में अब्दुल समद का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि वो उसके वीडियोज़ लेके गया था नेट बॉलर के,
तो जब उन्होंने देखा जो भी उनका फ्रेंचाइजी स्क्वाड था, तो उन्होंने जब देखा ये लड़का काफ़ी तेज़ बॉल करता तो उन्होंने कहा कि आप इस बच्चे को ले आओ। तो जैसे डेस्टिनी होती है बंदे ने खेलना है, तो लास्ट के 3 मैचों में नटराजन को कोविड हो गया था तो ये वहीं अवेलेबल था यहाँ पे ये, तो इसको उन्होंने सेलेक्ट कर लिया। वो लास्ट 3 मैच खेले तो उसके बाद उसी वक्त इसका अगले सीज़न के लिए 4 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट हो गया था। तो इसलिए समद का काफ़ी थैंक्स है, और ये एक ट्रेंड बन गया, जब एक बच्चा निकलता है तो उसके बाद काफ़ी निकलते हैं। होपफुली आप कमिंग डेज में, आप अभी विभ्रांत शर्मा था उसका नाम नहीं आया, वो भी SRH में नेट बॉलर गया हुआ लड़का, तो होपफुली अगले साल जब उन्होंने देखा होगा फ्रेंचाइजेस वालों ने, मुझे सरप्राइज नहीं होगा वो बच्चा भी इसमें IPL में खेलेगा और होपफुली इंडिया भी खेल सकता है वो। तो जैसे कि अभी आपका ये 2 स्टूडेंट जो हैं, वो नाम जिनके लोग जानते हैं वो सामने आए हैं, ऐसे आपके और भी काफ़ी स्टूडेंट्स होंगे जो अच्छे अच्छे जगह पहुँचे हैं। बिल्कुल है, इससे पहले जो सीनियर थे, चलो इंडिया नहीं खेल सके, जैसे आइनदेव है, रामदयाल है, बंदीप सिंह है, मानी गुप्ता है, और भी काफ़ी लड़के हैं, छोटो में कन्हैया है, कन्हैया बदावन, जतिन बदावन, ये अंश लड़का है 19 का, तो हो हमारे सेंटर के हर साल हर एज ग्रुप में रणजी ट्रॉफी 23 19 16 में 6-7 बच्चे हमारे सेंटर के होते ही हैं। तो जैसे मैं कुछ नाम आपके लिए हैं, ये किसी वक्त भी ये ऊपर आ सकते हैं ये बच्चे। सर जैसे हमें कोई भी गेम अगर हमें सीखनी है ना, तो उसके लिए हमें मेंटर की बहुत ज़रूरत है, लेकिन आज के दौर के जो बच्चे हैं ना वो सोशल मीडिया पर सीखना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो कितना मुश्किल है कि सोशल मीडिया से सीखना और कितना आसान है यहाँ ग्राउंड पर आकर सीखना? देखो सोशल मीडिया पे देखना मतलब कि जैसे आप एक थ्योरी और एक प्रैक्टिकल है, ठीक है ना, वो तो आप एक थ्योरी का है कि कहीं से किसी ने आपको बोला वो आप कर रहे हो उसको, लेकिन आपको अगर सपोज आप उसको फॉलो कर रहे हो, तो लेकिन अगर उसको देख के आप खेले जा रहे हो तो जब कोई किस करेक्शन की ज़रूरत होती है तो वो कौन करेगा? वही ना कि वहाँ पे देखे आप सीख लोगे, लेकिन टेक्निक जो है वो आपको कोच ही देगा, आपके लिए उस पर आपको आना ही पड़ेगा टेक्निकली जो चीज़ें। थ्योरेटिकली ठीक है कि आप वो पढ़ लिया ये ऐसे होता है या ऐसे करना है या फील्डिंग ऐसे करनी या बैट ऐसे पकड़ना है, लेकिन जो अल्टीमेटली गेम जो है वो ग्राउंड पे खेली जानी है, वो सोशल नेटवर्किंग पे तो खेली नहीं जानी, ग्राउंड पे खेली जानी, आपको ग्राउंड पे आना ही पड़ेगा। तो वहाँ से आपको जो भी है कोच है जो भी है अच्छा बता सकता है, आप उसके पास जा सकते हैं। सर एक मैसेज क्या देना चाहेंगे जो हमारी यूथ है जो किसी भी गेम में आगे आना चाहता है, क्रिकेट नहीं फुटबॉल हॉकी किसी भी गेम में जो आगे आना चाहिए, उनको एक क्या एक मैसेज देना चाहता है कि हर चीज़ में जल्दी डालते हैं कि उनको पेशेंस रखनी चाहिए सीखने के लिए कोई भी गेम? देखो देर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस, ठीक है, अगर कोई कहेगा कि मैं एक दिन में आ जाऊँगा ऐसी कोई बात नहीं, उमरान भी है 17 में आया था 5 साल के बाद आया है, समद बिल्कुल छोटा था 10-11 का, वो भी 19 के करीब, यानी 7-8-10 साल का, वो लेके चलो ये करना ही पड़ेगा, मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी, देर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस और हार्डवर्क उसके बाद ही है। अगर कोई कहेगा ऐसा, मैं नहीं कह सकता कि अभी तक तो मुझे कोई ऐसा नज़र नहीं आया कि जिसने मेहनत, जैसे सचिन तेंदुलकर की बात भी करते हैं, वो भी कितनी मेहनत करते थे, टैलेंट था उनका, अल्टीमेटली मेहनत आपको करनी ही करनी है। तो यही मेरा है कि आप मेहनत करो, उससे नहीं डरो, ये एक्सक्यूजेज हैं कि वो बच्चा आ गया नहीं आ गया, जो टैलेंटेड है उसको कोई नहीं रोक सकता, 1 साल रोक लोगे आप, 2 साल रोक लोगे, लेकिन जो टैलेंट है वो जितना दबाओगे वो प्रेस होकर बाहर निकलता है और पूरी दुनिया को हिला देता है। थैंक यू सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो ये थे मेरे साथ उमरान मलिक के कोच रणदीप सिंह जी, जिन्होंने बताया कि उमरान जो है 2017 में इनके पास आए थे और पहली बॉल से ही उन्होंने जो इसको इम्प्रेस कर दिया था। उनका कहना यही है कि अगर जो आजकल के युवा जो हैं किसी भी लाइन में आगे बढ़ना चाहते हैं, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, किसी भी लाइन में, तो उनको कोच हायर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो कोच ही है उनको टेक्निक वगैरह सिखा सकता है। और ज़्यादा अपडेट के लिए जुड़े रहिए यंग बाइट्स के साथ। नमस्कार।